हेलो एवरीवन, प्रेम्स 2013 का एक और सवाल है ज्योग्राफी सेक्शन से। नेचुरल रिसोर्सेस और रॉक सिस्टम के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। देखते हैं क्या स्टेटमेंट्स हैं। पहला स्टेटमेंट है, नेचुरल गैस अकर्स इन दी गोंडवाना बेड्स। ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नेचुरल गैस जो है गोंडवाना में नहीं पाई जाती। गोंडवाना जनरली कोल डिपॉजिट के लिए जाना जाता है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, माइका अकर्स इन अबंडेंस इन कोडरमा। ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा। माइका के बहुत रिच रिजर्व आपको झारखंड के कोडरमा में दिखाई देते हैं। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं, धारवार्स आर फेमस फॉर पेट्रोलियम। धारवार रॉक सिस्टम जो है या धारवार का जो इलाका है, यहाँ पर जनरली आपको मेटालिक मिनरल्स दिखाई देंगे, ना कि पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इंडिया में टर्शरी रॉक सिस्टम में पाया जाता है, तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर इनकरेक्ट होगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर निकल कर आता है वो है ऑप्शन बी, टू ओनली। अब बात करते हैं यहाँ पर क्या क्या कीवर्ड्स और कॉन्सेप्ट हमें ध्यान में रखने होंगे। सबसे पहले पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ये एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड निकल कर आता है। दूसरा है गोंडवाना बेड्स, तीसरा है माइका और चौथा है धारवाड़ रॉक सिस्टम। अब यहाँ पर मैं वैल्यू एडिशन जो करूँगा वो जनरली ये तीन कीवर्ड को लेकर करूँगा। फिलहाल मैं पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि आगे चल के कुछ कुछ एक सवाल आपको पेट्रोलियम नेचुरल गैस पर दिखाई देंगे, तो उसमें हम लोग वहाँ की वैल्यू एडिशन कर लेंगे। फिलहाल आई विल फोकस ऑन गोंडवाना, माइका एंड धारवाड़। सबसे पहले बात करते हैं गोंडवाना रॉक सिस्टम की। हालांकि अगर आपको रॉक सिस्टम क्या होती है अगर वो नहीं पता होगा, तो देखिए अलग अलग जियोलॉजिकल टाइम स्केल में या अलग अलग जियोलॉजिकल हिस्ट्री में अर्थ की कुछ एक रॉक फॉर्मेशंस पाई जाती है, और इन रॉक फॉर्मेशंस की अपनी अपनी फीचर्स होती हैं। कुछ में आपको कुछ एक स्पेसिफिक मिनरल्स दिखाई देंगे, जैसे कि गोंडवाना की जो रॉक सिस्टम होती है जो कि कार्बोनिफेरस पीरियड के आसपास या उसके बाद बनी हुई है, तो उसमें ज़्यादातर कोल के डिपॉजिट्स इंडिया में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये रॉक सिस्टम आपको ध्यान में रखनी है। बात करते हैं सबसे पहले गोंडवाना रॉक सिस्टम के बारे में। इंडिया का जो गोंडवाना का रीजन है, सेंट्रल इंडिया का रीजन है, उसके ऊपर ये नाम यहाँ पर दिखाई देता है आपको। कब बनी है? लेट पैलियोजोइक टू अर्ली मेसोजोइक एरा। अगर आप ईयर्स ध्यान में रखें तो 300 से 200 मिलियन ईयर्स अगो ये फॉर्मेशंस होती है। उसके बाद यहाँ पर बड़े पैमाने पर आपको कोल डिपॉजिट्स दिखाई देंगे। बात करते हैं इसकी फॉर्मेशंस की। जनरली ये जो गोंडवाना सिस्टम है ये सेडिमेंटरी बेसिन्स है, राइट। सेडिमेंट यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, साथ ही साथ आपको इसमें ग्लेशियल डिपॉजिट्स भी दिखाई देंगे। अब ये जो मुद्दा है ग्लेशियल डिपॉजिट का, आपका जाके कनेक्ट होता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के साथ। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में भी इसी प्रकार का कुछ एक रेफरेंस आपको दिखाई देगा। इंडिया में गोंडवाना रॉक सिस्टम कहाँ कहाँ पर पाई जाएगी? तो दामोदर वैली करके एक रीजन होगा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, यहाँ पर। अब ये भी बड़े पैमाने पर कोल के लिए जाना जाता है। काफ़ी रिच क्वालिटी ऑफ कोल दामोदर वैली और महानदी वैली में पाए जाते हैं। महानदी वैली का स्प्रेड अगर आप देखें, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के जो रीजन है वहाँ पर आपको ये महानदी वैली का गोंडवाना फॉर्मेशन दिखाई देगा। गोदावरी वैली, गोदावरी और उसकी ट्रिब्यूटरीज, इंक्लूडिंग कुछ एक महाराष्ट्र में रिवर्स है, वर्धा या वैनगंगा करके कुछ एक रिवर आपको ध्यान में रखनी होगी, इनमें भी आपको गोंडवाना रॉक सिस्टम की फॉर्मेशन दिखती है। अदर देन दैट तेलंगाना या आंध्र प्रदेश के रीजन्स है और इसमें भी अच्छे कोल पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में जाइएगा, सातपुड़ा की जो माउंटेन्स है, सातपुड़ा के माउंटेन के आसपास भी आपको गोंडवाना रॉक का एरिया दिखाई देता है और उसमें भी कोल पाया जाएगा। नाउ इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस की बात करें तो इंडिया का 98% कोल जो है ये गोंडवाना रॉक सिस्टम में ही पाया जाता है। ज़्यादातर ये कोल बिट्यूमिनस ग्रेड का दिखाई देता है। अदर देन बिट्यूमिनस ग्रेड, बाकी जो भी कोल होगा इंडिया में वो लिग्नाइट की क्वालिटी का होता है, जो कि गोंडवाना में आपको नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो 98% इंडिया का कोल जो है वो बिट्यूमिनस होगा और साथ ही में वो गोंडवाना में, गोंडवाना रॉक फॉर्मेशंस में पाया जाएगा। अदर देन कोल, यहाँ पर आपको आयरन ओर के भी कुछ बैंड्स या आयरन ओर के भी कुछ फॉर्मेशंस दिखाई देते हैं। पैलियोन्टोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी है। एक फौना या एक प्लांट आपको ध्यान में रखना होगा, एक्सटिंक्ट स्पीशी है, ग्लॉसोटेरिस करके एक फौना है, तो ये भी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में आपको रेफरेंस में आते हुए दिखाई देगी। तो उस एंगल से उसको लिंक कर लीजिएगा। ये एंशियंट आपको एक प्लांट दिखाई देगा जो कि सिर्फ और सिर्फ गोंडवाना के रीजन्स में दिखाई देता है, या गोंडवाना लैंड आप जिसको कहते थे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में, वहां पर पाया जाता है। तो इंडिया में भी ग्लॉसोटेरिस फौना इसी गोंडवाना सीक्वेंस में दिखाई देगा, फाइन। सो ये रहा भारत का गोंडवाना फॉर्मेशन मैप। अगर आप देखें तो ये सारे जो ग्रीन बैंड्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये इंडिया के गोंडवाना रॉक सिस्टम के रीजन्स बनते हैं। नाउ
मूविंग फॉरवर्ड बात करते हैं धारवाड़ रॉक सिस्टम की। अब ये जो धारवाड़ रॉक सिस्टम है ये इंडिया का फर्स्ट सेडिमेंटरी मेटामॉर्फिक रॉक सिस्टम कहा जाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, कोई बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया के अंदर सबसे पुराने या ओल्डेस्ट रॉक्स जो पाए जाते हैं वो आर्कियन एज के पाए जाते हैं। आर्कियन के बाद जो रॉक सिस्टम आपको इंडिया में दिखाई देगी वो होगी धारवाड़ रॉक सिस्टम, और इसका जो फॉर्मेशन है ये सेडिमेंटरी फॉर्मेशन है। आर्कियन अगर रॉक सिस्टम आप देखें तो वो इग्नियस फॉर्मेशंस आपको दिखाई देगी, वोल्केनिक रॉक्स उसमें है आर्कियन में। अगर आप धारवाड़ रॉक सिस्टम को देखें तो ये सेडिमेंटरी रॉक सिस्टम है, इसीलिए कहा गया है कि ये फर्स्ट सेडिमेंटरी मेटामॉर्फिक रॉक सिस्टम है। अब ये मेटामॉर्फिक क्यों कहा गया, क्योंकि इतना अरसा गुजर चुका है इस रॉक सिस्टम को फॉर्म होके कि अब ये उसकी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है, इसका मेटामॉर्फिज्म हो चुका है, अलग अलग फॉर्म्स में अब ये दिखाई देता है। सो ये एक पॉइंट ऑफ क्वेश्चन आपका हो सकता है, पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि धारवाड़ इंडिया का फर्स्ट सेडिमेंटरी मेटामॉर्फिक रॉक सिस्टम है। देन कहाँ कहाँ पाया जाएगा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और राजस्थान के कुछ हिस्सों में हमें ये दिखाई देता है। अगर आप इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो यहाँ पर एक फॉर्मेशन दी भी है, मुझे नहीं लगता कि इतना डिटेल में जाना चाहिए, लेकिन अगर आपको टाइम मिले तो ये फॉर्मेशन पढ़ लीजिएगा किस प्रकार से होती है। रॉक्स कौन कौन से पाए जाएंगे इसमें, शिस्ट है, फाइलाइट्स है, क्वार्ट्जाइट्स है, बैंडेड आयरन फॉर्मेशंस ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है, और ग्रीन स्टोन बेल्ट, ये कुछ पॉइंट ऑफ क्वेश्चनिंग आपके आगे चलकर हो सकते हैं। अब इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो सवाल यहाँ पर बन सकता है वो हो सकता है इन मिनरल्स के बारे में। जनरली जो आपका धारवाड़ का रॉक सिस्टम है मेटालिक मिनरल्स के लिए जाना जाता है, और उसमें गोल्ड, निकेल या कॉपर जैसे डिपॉजिट्स दिखाई देंगे। इंडिया में कहाँ कहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो कर्नाटक का एक मेजर रीजन होगा जहाँ पर आपको ये धारवाड़ रॉक सिस्टम दिखाई देगी, बेल्लारी, होसपेट, कोलार, हुत्ती, ये सारे रीजन आप ध्यान में रखें। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान के कुछ इलाकों में भी आपको ये दिखाई देते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की अगर बात करें तो इसमें आयरन ओर दिखाई देगा, मैंगनीज के फॉर्मेशंस है, गोल्ड के डिपॉजिट्स है, और कॉपर के डिपॉजिट्स में भी कुछ एक क्वांटिटी में दिखाई देते हैं। बात करते हैं इंडिया में कहां कहां पर ये धारवाड़ रॉक सिस्टम है, तो ये आप मैप देख सकते हैं, कर्नाटक, ये ओडिशा और छत्तीसगढ़ का इलाका, झारखंड का इलाका, थोड़ा बहुत राजस्थान और गुजरात और मध्य प्रदेश का इलाका। ये रहा धारवाड़ रॉक सिस्टम। बात करते हैं माइका की। माइका अगर आपको नहीं पता तो इस प्रकार से एक मिनरल होता है जिसको हम लोग माइका कहते हैं। अब ये माइका सिलिकेट मिनरल है, लेयर्ड स्ट्रक्चर इसका होता है, एक्सीलेंट क्लीवेजेस होती हैं। एक्सीलेंट क्लीवेजेस यानी आप देख सकते हैं इसमें परतें आपको दिखाई देती है। केमिकल कंपोजिशन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, ये लेयर्ड स्ट्रक्चर या क्लीवेजेस पूछा जा सकता है। प्रॉपर्टीज की अगर बात करें, यहाँ पर मैंने एक प्रॉपर्टी इसकी मार्क करके रखी है, इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको लेके कई बार सवाल पूछा जा सकता है। नाउ इसी प्रॉपर्टी से फिर इसके इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन या इंडस्ट्रियल यूसेज भी डिफाइन होते हैं, आगे देखेंगे कि क्यों ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमन टाइप्स ऑफ माइका की बात करें तो एक नाम यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, दैट इज मस्कोवाइट, राइट, ये बड़े ह्यूज क्वांटिटी में पाया जाता है मस्कोवाइट, इंडिया में भी बड़े पैमाने पर पाया जाता है, तो उसको लेके फिर मस्कोवाइट किस मिनरल से जुड़ा हुआ है या किससे जुड़ा हुआ है, ऐसा कुछ एक क्वेश्चन हो सकता है। तो मस्कोवाइट ये माइका का ही एक रॉक आपको दिखाई देगा। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस की अगर बात करें तो इंसुलेटर और कैपेसिटर के तौर पर ये यूज होता है। आपका जो आयरन होता है उसमें देखिएगा, उसमें प्लेट्स होती है, तो वो माइका की एक शीट उसमें बनी होती है, जो हीटिंग कॉइल होती है, हीटिंग कॉइल के नीचे माइका का शीट होगा, और वो माइका का शीट क्या करेगा, जो हीटिंग कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट है उसको बाहर नहीं निकलने देगा लेकिन हीट को बाहर लेके जाएगा। तो इसी प्रकार से उसकी प्रॉपर्टी बड़ी ही इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडस्ट्रियल अप्लायंसेस में क्या क्या है, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में यूज़ होगा, कॉस्मेटिक्स में जनरली ये शिमर ऐड करने के लिए यूज़ होता है, पेंट्स में भी इस्तेमाल होता है, ऑटोमोबाइल में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है, एज अ ब्रेक लाइनिंग, क्लच फेसिंग, सो ऑन एंड सो फोर्थ। मेजर डिस्ट्रीब्यूशन की इंडिया में बात करें तो झारखंड, बिहार, राजस्थान, आंध्र, तेलंगाना, इन सारे ही राज्यों में आपको इसके डिपॉजिट्स दिखाई देंगे। इंडिया का फिलहाल लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है माइका का, दैट इज आंध्र प्रदेश, ये मैप को ध्यान में रखिएगा, यहाँ से कुछ एक क्वेश्चन बन सकता है। एक और चीज़ एडिशनली आपको ध्यान में रखनी है, माइका ये एक माइनर मिनरल है,
माइनर मिनरल का मतलब क्या हुआ, स्टेट इसको कंट्रोल करेगा या स्टेट के अंडर इसका सारा ही कंट्रोल होगा। तो माइनर मिनरल के तौर पे भी माइका को आपके ध्यान में रखना है। करंट अफेयर्स में भी माइका रहा है, ये आई गेस जुलाई या अगस्त की 2024 की न्यूज़ है। कुछ एक माइका की जो माइनिंग हो रही थी झारखंड में, उसमें चाइल्ड लेबर के कुछ इश्यूज आए थे। अब वो माइका की माइंस जो है चाइल्ड लेबर फ्री हो चुकी है, इस प्रकार से न्यूज़ आई है। तो फिर यहाँ से आगे सवाल बन सकता है, तो देखते रहिएगा क्या क्या करंट अफेयर्स में और आता है। तो ये था एक और सवाल, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू।